सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे इंसान कहे शुरुआत से सीख रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं, या हम चाहें तो बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं। चाहे स्कूल जाते हों चाहे ना जाते हों, सीखने की हर वक्त ज़िंदगी में वो प्रक्रिया बनी रहती है। एजुकेशन के अनुसार, शिक्षा शास्त्र के अनुसार, शिक्षा दो तरह की होती है। एक शिक्षा होती है जो हमें घर पर मिलती है, और एक शिक्षा जो हमें स्कूल या घर के बाहर प्राप्त करते हैं। जो घर मिलती है उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, और जो बाहर मिलती है उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अब घर और बाहर में इतना फ़र्क है कि ज़िंदगी एक शिक्षा दिया करती है, चाहे वो हम लोग घर के अंदर रह के वो प्राप्त करें, स्कूल जाएं या ना जाएं, शिक्षा ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती है। तो आज शिक्षा के साथ में एक संदेश देने वाले हैं सुफियान खान, देखते हैं क्या बोलने वाले हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान खान है। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन और कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र होता है जो मनुष्य के सभी भौतिक समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो आंकड़ों को प्राप्त करके निर्देशों के अनुसार विश्लेषण करके आवश्यक व उचित परिणाम प्रस्तुत करता है। और मैं कंप्यूटर का पूरा नाम आपसे बताने वाला हूँ। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज़, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आर फॉर रिजल्ट। वैसे तो कंप्यूटर का कोई फुल नेम नहीं होता है, लेकिन अगर सर की बुक के मुताबिक चलें तो उसमें यही लिखा है। और मैं आप कंप्यूटर में कुछ बहुत ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, जैसे एक मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। मैं इन्हें हिंदी में बताने वाला हूँ। मॉनिटर का हिंदी में अर्थ प्रदर्शक होता है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हिंदी में केंद्रीय प्रक्रियायन इकाई कहते हैं। और माउस को हम लोग चूहिया या चूहा कह सकते हैं, और कीबोर्ड को कुंजी पटल। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल क्लिप देने वाला हूँ। रियान भाई, एक आदमी था, वो हर रोज़ एक पहाड़ पे जाता, उसके वहाँ पर कुछ पत्थरें तोड़ता और वापस आ जाता था। इससे उसके आराम से कमाई होती थी और उसके घर चलता था ऐसे ही उन्हीं पैसों से। तो एक दिन वो काम करके जा रहा होता है घर, तो एक दिन वो सोचता है कि काश मैं कुछ और होता, ये मैं बस जाता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ और फिर आ जाता हूँ। फिर वो घर यही सोचते सोचते चला गया, खाना भी यही सोच सोच के खा रहा था, फिर वो सो गया। फिर उसे सपने में आया कि वो काम करके जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सा बंगला है, और वहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कि उस बंगले का मालिक है। तो वो आदमी सोच रहा था कि काश मैं ये जो बंगले का मालिक है वो होता, तो वो तुरंत उसी बंगले का मालिक बन गया। फिर वो बहुत, उसकी खुशी जाहिर नहीं हो पा रही थी, वो इतना खुश था। फिर वो थोड़ी देर आराम करने गया और यही सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। फिर वो लेटने जा ही रहा होता है कि उसकी खुशी इतनी देर टिक नहीं पाती, और बाहर से बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो बाहर देखता है तो एक पॉलिटिशियन कार में खड़े होकर जा रहा है। तो वो सोचता है कि काश मैं पॉलिटिशियन होता, इसके इतने सारे लोग इसकी सुरक्षा कर रहे हैं और सब इसे हाथ मिलाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो वो तुरंत वो पॉलिटिशियन बन गया। फिर तब थोड़ी देर बाद उसे भी, उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। थोड़ी देर बाद वो, उसे बहुत धूप लगने लगी, बहुत गर्मी लगने लगी, बहुत पसीना आने लगा, चक्कर खा के वो गिर गया। तो उसने सोचा कि काश मैं ये सूरज होता, तो इसका बस ये सोचते ही ये तुरंत सूरज बन गया। सो सूरज बनने के बाद ये सोच रहा था कि अब मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उसकी भी अगर वो सूरज भी बना, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। सामने घने बादल आ गए, बहुत सारे बादल आ गए, तो उसने सूरज की भी किरणों को छुपा दिया था। तो उसने सोचा कि काश मैं बादल होता, तो तुरंत वो बादल बन गया। फिर वो बादल सोच रहा था कि अब तो मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, मैं तो हर टाइम उड़ता ही रहूँगा। फिर उसकी ये भी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई।
एक हवा का झोंका बहुत तेज आया और सारे बादलों को उड़ा कर ले गया। फिर वो सोचने लगा कि काश मैं ये हवा होता। फिर वो उसका ये सोचते ही वो हवा बन गया। तो वो आराम से घूम रहा था तो सामने बहुत बड़ा पहाड़ आया। उसने अपनी पूरी कोशिश लगा दी लेकिन उस पहाड़ को गिरा नहीं पाया। तो उसने सोचा काश मैं पहाड़ होता, तो इससे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। फिर वो उसका बस ये सोचते ही वो तुरंत पहाड़ बन गया। फिर वो पहाड़ पे कुछ आवाज़ आ रही थी, उसके ऊपर कोई आवाज़ आ रही थी कि कोई उसे तोड़ रहा है। उसे दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि जो इस पहाड़ को तोड़ने की हिम्मत रखता है काश मैं वो होता। लेकिन ये सोचते ही वो चीज़ बना ही नहीं। बहुत उसे दर्द हो रहा था, वो कोई पहाड़ तोड़ रहा था। उसे बहुत दर्द हुआ, इतने दर्द हुआ कि वो उठ गया अपनी नींद से। और सामने आईना था और उसने देखा तो उसे पता चला कि अब मुझे पता चला कि मैं ये क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, इसलिए मैं वही हूँ उस पहाड़ को तोड़ने वाला इंसान। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग खुद को किसी से कम मत समझो। और मैं आपको एक और मोटिवेशनल क्लिप बताने वाला हूँ। दो भाई थे, वो दोनों लोग झगड़ा करते हुए बीच पे जा रहे थे। तो बड़े भाई को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसने छोटे भाई को बहुत तेज़ मारा चाटा। फिर छोटा भाई कुछ नहीं बोला, उसने बस एक अपनी उंगली से रेत पे लिख दिया कि आज मेरे भाई ने मुझे मारा। फिर एक दिन दोनों लोग जा रहे होते हैं, उसका छोटा भाई एक कुएं में गिरने वाला था तो उसके भाई ने उसे बचा लिया। तो उसने उसी छोटे भाई ने एक पत्थर लिया और एक बड़े से पत्थर पे लिख दिया कि आज मेरे भाई ने बचाया। तो उसके बड़े भाई ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता हूँ तो तुम रेत पे लिखते हो, अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा करता हूँ तो तुम पत्थर पे लिखते हो। तो उस छोटे भाई ने बताया कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कुछ बुरा हो तो उसे रेत पे लिख के लिखो, जिससे वो जल्दी से जल्दी मिट जाए। और अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज़ हो तो तुम उसे स्टोन पे लिखो, यानी कि पत्थर पे लिखो, जिससे वो कभी ना मिटे। तो यही थे मेरे दो मोटिवेशनल क्लिप। आपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।